देवस्य धीमहि धियो यो नः आप है गुरु भगवान, आप
जिला सहित खाप छड़ा हो गले एवं आम ब्लॉक को मध्य खाप छड़ा कर जहाँ द्वारा आम ब्लॉक रे कौन सी कार्यक्रम ठीक भाव में हो पारा ना एवं जो 108 कोटी राज्य यज्ञ है द्वितीय थर प्रथम थारू द्वितीयटा पूरा पूरी अलग हो प्रथम थर जो भाव में कार्यक्रम होता परिचालना होता किसी पारे यार मुख्य उद्देश्य है कौन आम पर भरोसा कर आमर निज लोक मान पचार बाहर लोक मान गुरुत्व दे जहाँ कले कले देखु मुठिक आसबी उमरकोटर परेश कौन सीटा जो न जानू जो कम करी तेल कमटा पूरा ठीक से भाया आम बाहर प्रत्येक निधि को डाक मुख्य दायित्व देदेले कार्यक्रम द्वारा आम से कार्यक्रम टी मैंने सठिक भाव हो पार कि वर्तमान आमर ये जो नुआ संगठन हाँपे ब्लक टी अलग प्रकार भावना देखा देखा अल्प दिन भितर कौन हो चेस्टा कर सठिक भावुची अल्प दिन भितर भल बर्तमान आम तथा संगठन गढ़ीचु पापड़ाहांडी टोटाली पापड़ाहांडी टाउन टाक टोटाली छाड़ दे पापड़ाहांडी जो ब्लक हेडक्वार्टर अच्छी ताकि छाड़कर आम जो सैड्रे रही चु मैदलपुर पंचायत आम जो 4-5 पंचायत अच्छे पांचटा पंचायत भी आम संगठन कर संगठन में भाई मानों परिजन मान जो आम अच्छा पाखा 40-50 परिजन अच्छे मात्र 4 फुट थी 4 बर्तमान 40-50 तो गलु आज परिजन को लेकर आम बहुत दिन बहुत कम दिन होस मात्र मसटा खंडा है तरह आम संगठन आरंभ हो नवरात्रि नवरात्रि तो बहुत सुंदर भाव में आम परिचा करूँ
आम जो अच्छी बहुत प्रसिद्ध जगह अच्छी मदनपुर पाखे आप गर्भराय पीठ पर्वत उपरे गोटे पांचटा शक्तिपीठ गणेश मंदिर शिव मंदिर बड़े सुंदर गोटे झरणा आप निवेदन करें गोटे मत आम से गोटे भल ये जिला गोष्ठी करवा बहुत सुंदर जगह अच्छी से पाखे आम साधना पीठ आग को चल आम बहुत पूर्व साधना पीठ मतला मंडप फंडप अच्छी चलती आम बर्तमान नवरात्रि समय नवरात्रि चलता पाखापाखि गोटे चालीस पचास लोक आम से नवरात्रि करूँ से पर्वत उपरे तार पूजापन पूजापन करें प्रकार गोटे कार्यक्रम जिला गोष्ठी आम संगठन है कार्यक्रम टाक आगे नौ आग को मुझे भावुचे से निश्चित भाव में आम आग को आगे नेबू बहुत किसी कम आगक जाए कहीं दुर्ष है जो महामारी सब सुप्त अवस्था थे आम प्रत्येक पंचायत को जाए पंचायत सब संगठन सब तैयार करूँ आउ सब भाई एक्टिव हो आगक सब आस नवरात्रि आम अनेक दिन तो पाल आसलु मात्र यह नवरात्रि बहुत संख्या भाई एवं भाई मैंने उपस्थित थे बहुत सुंदर पाल चलता नवरात्रि मत आस नवरात्रि आगामी दिन में कंदाहाँ रायगढ़ पर टकर हम बोली आम आशा नहीं शांतिपुंज जो सब आसुची कार्यक्रम से गुड़ा सुचारू रूप से पालन करूँ आगामी केमी आम संगठन पड़ो से चेस्टा करूँ मोदी बर्तमान नुआर तो मैंने दायित्व नहीं बर्तमान आम परिवार जो जहाँ आल प्रचारक कथाई प्रति रविवार चाकरी लोक प्रति रविवार छुट्टी दिन में आम गाँ गाँ बुलाया कर गाँव संपर्क करूँ आज शांतिपुंज ये पंचकुंड दायित्व करने पंचायत प्रति पंचायत ये शांति
स्वादिष्ट हुई से बढ़िया, बढ़िया बनी से चाचा जी भोजन बढ़िया बनी से भोजन प्रसाद के भी तेजी से बोलो गायत्री माता की जय रामचंद्र भगवान की जय प्रणाम सर प्रणाम सर आपका परिचय देंगे और आज जो उमरकोट राम मंदिर में जो प्रोग्राम किया गया था कार्यक्रम किया गया था ये कार्यक्रम किस उद्देश्य को लेकर किया गया था और ये कार्यक्रम किस संस्था के द्वारा किया गया था थोड़ा आप बताने के कष्ट करेंगे मेरा नाम कमल सिंह राजपूत गायत्री परिवार रायगर आज जो है नवरंगपुर जिला का अंतर्गत हमारे उमरकोट श्री राम मंदिर में जिला गायत्री परिवार की ओर से एक गोष्ठी शांतिकुंज हरिद्वार का निर्देश के अनुसार एक जिला स्तरीय गोष्ठी यहाँ रखा गया था। इसमें नवरंगपुर जिला का सभी प्रांत का वरिष्ठ गायत्री परिवार का प्रमुख कार्यकर्ता भाई बहन सब उपस्थित रहे। इसमें हमारे जिला का समन्वय समिति नया तरीके से आज जो है गठित हुआ। इसमें जितने भी हमारा सदस्य समन्वय समिति का रहना चाहिए सभी मुख्य सदस्य यहाँ चयनित किया गया सर्वसम्मति के ओर से और आज से जो है पुनर्गठन के बाद हमारे नवरंगपुर जिला का गायत्री परिवार गायत्री मिशन का जितना भी गतिविधि है मिशन का इसके अंतर्गत जो भी हमारे गुरु निर्देश है शांति कुंज केंद्र से जो निर्देश आएगा उसी के अनुसार जितने भी हमारे रचनात्मक कार्यक्रम है गतिविधि है मिशन का वे सब आगे बढ़ाकर मजबूत करेंगे और गुरुदेव का विचार जन जन तक फैलेंगे हमारे जिला में इसके अंतर्गत सब विचार किए गए और सभी नए सिरे से जो चयनित किए गए हैं वो सब गुरुदेव का संकल्प के साथ जो है फिर से हमारा गायत्री मिशन नवरंगपुर जिला में हम कैसे पुनर्गठन करके फिर आगे बढ़ेंगे और विस्तार करेंगे गुरुदेव का विचार को इस विषय पर चर्चा हुआ और इसमें बहुत सुंदर से आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर आपण को परिचय देवे सर आज जो कार्यक्रम आप उमरकोट राम मंदिर करते कार्यक्रम कौ उद्देश्य को नहीं कि संस्था द्वारा यहाँ होता सर आम नवरंगपुर जिला व्यापी प्रत्येक ब्लॉक रे संगठन को परिवर्तन करथिले आउ आज नवरंगपुर जिला पे समन्वय समिति गठन करा हला। ए जिला समन्वय समिति गठन रे या पूर्व श्री उपेन्द्र नायक को शांतिकुंज तरफ गत मार्च मास 10 तारिख दिन जिला समन्वयक भाव बछाइला तापर अवशिष्ट विभाग गुड़ को मुख्य आज बछा हला। एथिरे अछन्ते संगठक श्री अरुण कुमार प्रसाद नायक आउ भारतीय संस्कृत परीक्षा प्रभारी श्री धर्षकेतन गोपाल आउ जिला प्रभारी अच्छा श्री महेंद्र नायक आउ अकाउंट सेक्शन अच्छा श्री राजकुमार साहू आउ ऑफिस इनचार्ज अच्छा श्री सुरेंद्र कुमार साहू
नारी जागरण अच्छा सरिता सिंह राजपूत आधना आंदोलन अच्छा केशनाथ गौंड मीडिया प्रभार अच्छा माखन सोनावंशी आचनात्म अच्छा श्री मनोज कुमार पट्टनायक दीदी नमस्कार। दीदी आपण ना कहे दीदी आज जो राम मंदिर रे अखिल विश्व गायत्री परिवार तरफ रु कार्यक्रम बा बैठक होता से बैठक रे आपण दायित्व कौन रही आमर दायित्व आज समाज रे नारी मान को जो पछुआ पछु देखुं से आम अखिल विश्व गायत्री परिवार तरफ नारी मान को आगे नापी बोली आम गर्भ संस्कार पंचमन संस्कार मानने जन्मदिन संस्कार सब नारी मान को बुझे से नारी को जमी आग को आम आनी पार से पदक्षेप नाप आग को आम दायित्व नहीं नारी मान को आग को नाप बोल महिला मंडल गठन कर नारी को नारी जागरण दायित्व नहीं बहुत बहुत धन्यवाद दीदी सर नमस्कार। नमस्कार सर आज जो कार्यक्रम होता राम मंदिर रे उमरकोट रे ये कार्यक्रम कौ उद्देश्य को लेकर होता सर आज आम कार्यक्रम थिला जे आम जिला नुआ संगठन करने ये कार्यक्रम रही थिला आठ आठटी ब्लक रु सब ब्लक कार्यकर्ता ये उपस्थित थे आर उपस्थित समस्त सहमति रे आज आम एगार जन भाई भणी को आम दायित्व हस्तांतर कर जिला को आम स्वावलंबी जो युवा मान को कमी स्वावलंबी आ सशक्त तत्सत जो भणी आम कहते नारी मान को कमी अवहेलित तो, निर्यातित तो जो करा कराई आमर जो कुरीति अच्छी कुरीति को ग्रहण करने तत्सत नारी मान को जागरण करने विशेष भूमिका नहीं जो आम आगामी जो भावी पीढ़ी सुसंस्कारित करने गर्भधारण संस्कार उपर विशेष ध्यान रखा जहाँ कि आम धर्म निर्विशेष जाति धर्म वर्ण निर्विशेष सब समस्त को आम संस्कार गर्भ संस्कार कर आगामी जो पीढ़ी को सुसंस्कारित पीढ़ी भाव में आम ये गठन करने गायत्री परिवार पात्र योजना बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार बाबूजी आप ना कहे मनोरंजन महांती आप गायत्री परिवार रे कौ पदर उपस्थित अच्छा जिलार सह संयोजक पदर अच्छे सर नमस्ते। नमस्कार सर आपका नाम बोलिए। मो नाम अरुण प्रसन्न नायक सर आप गायत्री परिवार जिला संगठन दायित्व मत दि जाए जिला को कमी संगठन करने को मजबूत करने को अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज तत्वावधान आज जो कार्यक्रम होता ये मत से गुरुदायित्व दि जाए तुलाइवाई मुझे आगे बढ़ी आशा विश्वास अच्छे बोले भारत माता की विश्व गायत्री परिवार की परम पूज्य गुरुदेव की सर नमस्कार। सर आपणकर परिचय देवे आउ कौ पदरे आपण उपनीत अछंदी सर मो नाम है सशक्तन गोपाल चंदाहांडी ब्लॉक गाँव हूँ झराबाहा आज ये जिला गोष्ठी समन्वय गोष्ठी चयन में मत नवरंगपुर जिला भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षार प्रभारी रूपे निजुक्ति करते तेणु ये गुरुदायित्व को मुझे किपरि बलिष्ठ भाव बहन करी आ दसटी ब्लक्र प्रत्येक स्कूल कॉलेज हाईस्कल मानक सहित जोजोग कर पाकर सहित कमी ज्ञान परीक्षा करी से गुरुदेव पाखे संकल्प नहीं बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर नमस्कार आपंकर परिचय देवे मो ना पद्मलोचन सुनानी सर आप गायत्री परिवार नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट कौ पदरे अच्छा सर सर नमस्ते। नमस्ते अपना परिचय देंगे सर और आप इस नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट गायत्री परिवार में कौन से पद में उपस्थित हैं। मैं नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूं। सर नमस्ते। नमस्ते सर अपना परिचय देंगे और आप किस पद में उपस्थित हैं इसको बताएंगे सर। मेरा नाम मनोज कुमार पट्टनायक है। मैं दो जिम्मेदार लिया हूँ। पहले जिम्मेदारी ये है कि रायगढ़ जोन का हमारा डिस्ट्रिक्ट ओर से प्रतिनिधि डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रायगढ़ जोन। दूसरा जिम्मेदारी हमारा डिस्ट्रिक्ट समन्वय समिति का रचनात्मक प्रभारी
ये दो जिम्मेदारी लिया हूँ। मैं वादा करता हूँ, गुरुजी संकल्प करता हूँ कि मैं दोनों जिम्मेदारी को बड़ा अच्छे से निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप ना कहे? मो ना राजकुमार साहू। सर आप कौ पदर अच्छा? अखिल विश्व गायत्री परिवार जिला केसीआर चार्ज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप ना कहे? मो ना महेंद्र नायक, मु वर्तमान नवरंगपुर जिलार युवा प्रभारी संगठन दायित्व। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर नमस्ते। नमस्ते सर, आपका परिचय देंगे, आपका नाम क्या है और कौन से पद में आप उपस्थित हैं? मेरा नाम केशनाथ मरकाम है, रायगढ़ ब्लॉक का हूँ। ये जिला का ये जो साधना प्रकोष्ठ ये मैं प्रभात में उपस्थित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या है? मेरा नाम माखन सोनावंशी है और मुझे नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट गायत्री परिवार तरफ से मीडिया प्रभारी का दायित्व दिए हैं। इस दायित्व को मैं अपने कर्तव्य समझकर इसको निभाने का कोशिश करूंगा और गायत्री परिवार को जन जन तक पहुंचाने का सफल प्रयास हमेशा करते रहूंगा। इस संकल्प के साथ मैं आज इस दायित्व को वहन किया हूं और मैं बहुत खुश हूं कि मुझे इस लायक हमारे गायत्री परिवार के जितने वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं उन्होंने मुझे इस दायित्व को दिया, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज जो पावन प्रांगण रामचंद्र जी महाराज के उमरकोट ब्लॉक में मीटिंग किया गया था, इसमें मुझे इस दायित्व को दिए हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। इस दायित्व को मैं अपने दिल से निभाऊंगा और गुरुदेव का कार्य को जन जन तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको अभिनंदन। उमरकोट का राम मंदिर कितना सुंदर है देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर से बनाया गया है। ऐसा मंदिर जिसे देखकर आप मन मोहित हो जाएंगे। पूरा कांच का ही बनाया गया है, कांच में पूरा सुशोभित किया गया है, बहुत सुंदर डेकोरेट किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ नरसिंहदेव भगवान हैं, हनुमान जी, परशुराम जी, राम जी। हमारे YouTube चैनल गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। कांसी कुंज पावन स्थल है, शांति कुंज पावन स्थल है, स्वयं कल्प सरु छाया है। शांति कुंज पावन स्थल है, स्वयं कल्प तरु छाया है। महाकाल का यहाँ घोंसला, महाप्राण की काया है। महाकाल का यहाँ घोंसला, महाप्राण की काया है। शांति कुंज पावन स्थल है, स्वयं कल्प तरु छाया है।
महाकाल का यहाँ घोंसला महाप्राण जी का है।